नमस्कार, मैं सार सागर, मेरी सहेली अभिजान में आप सबका स्वागत है। मेरी सहेली अभिजान सुन के आपके मन में भी ये सोच आती होगी कि आपका जो कार्यक्रम है महिला के लिए है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मेरी सहेली अभिजान जो कि भारत भारतीय रेलवे के द्वारा शुरुआत की गई है, जो कि एक अच्छा अभियान है। अगर आप महिला हो, अगर आप ट्रेन में अकेले यात्रा कर रहे हो, तो आपके लिए खुशखबरी है। आज से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और आपके साथ भारतीय रेलवे बल है, जो आरपीएफ फोर्स, भारत रेलवे पुलिस फोर्स, उनके एक महिला कर्मचारी आपके साथ रहेगी। आपकी हालचाल पूछ के साथ आपको सेफ्टी टिप्स दोगी, आपकी वो जानकारी रखेगी, आप कहां से कहां तक जाएंगे, जो कि एक अच्छा स्टेप है। और इस मेरी सहेली अभियान के द्वारा जो रेलवे में महिलाओं के साथ जो अपराधी घटना घट रहा था, उनमें काफी हद तक बहुत सारे रोक लगेगी और महिलाएं सुरक्षा से अपना यात्रा कर पाएंगे। तो ये पूरा मेरी सहेली अभियान क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको पूरा जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते इस पूरा वीडियो को। भारतीय रेलवे ने ट्रेन में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए रेलवे पुलिस बल जो कि रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ के केवल महिला विंग को तैयार किया गया है, जो कि ट्रेन में महिलाओं के हालचाल पूछने के साथ सुरक्षा प्रदान करेंगी। और इससे यात्री के दौरान महिलाओं के साथ होने वाले अपराधियों घटना में काफी हद तक रोक लगेगी, क्योंकि एक अच्छा पदक्षेप है भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे को इसके लिए बहुत सारे अभिनंदन जनाता हूँ, जो कि एक अच्छा स्टेप लिया है भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए। मेरी सहेली अभियान के शुरुआत से अब ट्रेन में अकेले सफर करने वाले महिलाओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो पूरा महिला अकेला हो तो कोई टेंशन नहीं, वो पूरे सुरक्षा के साथ यात्रा कर सकती है और अपने घर पहुंच सकती है। क्योंकि आगे बहुत सारे जगह घटनाएं हुई कि महिला के साथ ट्रेन हो रहा था, जो कि अभी इस अभियान के दौरान इस सब में रोक लग सकती है। रेलवे के मुताबिक मेरी सहेली अभियान से जुड़े टीम जो है वो पूरी महिला टीम है, जो कि रेलवे पुलिस बल के जो महिला कर्मचारी है उनको तैयार किया गया है, जो कि यात्रा के समय महिलाओं को सुरक्षा टिप्स देगी और उसके साथ साथ उनको जागरूक करेगी कि यदि यात्रा के दौरान आप महिलाओं को कोई भी दिक्कत अगर परेशानी हुई तो उनने एक हेल्पलाइन नंबर रखा है, जो कि है 182 हेल्पलाइन नंबर के द्वारा आप तुरंत कर सकते हैं। और आपके कॉल जाते ही तत्काल भारतीय रेलवे फोर्स जो है आरपीएफ की जो महिला कर्मचारी है तुरंत वो आपके पास आके पहुंच जाएगी, जो कि एक अच्छा स्टेप है, जो कि जो रेलवे में जो घटने वाली अपराधी घटना को काफी हद तक रोक लगा सकती है। बता दूं कि मेरी सहेली अभियान के तहत आरपीएफ ने जो भी जो महिला टीम बनाई है उनमें केवल महिला रखा गया है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। महिलाओं के लिए एक महिला ऑफिसर ही अच्छे उनकी बात समझ पाएगी और उनको अच्छा सुरक्षा दे पाएगी, तो एक अच्छा स्टेप है। अभी ये अभियान केवल दो ट्रेन में शुरुआत की गई है, जो कि है ट्रेन नंबर 12955, जो कि मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और एक ट्रेन है 02925, जो कि बांद्रा टर्मिनस अमृतसर स्पेशल ट्रेन। ये दो ट्रेनों में ही अभी अभियान शुरू की गई है। आगे इस जो फोर्स की जो है मेरी सहेली टीम की फोर्स बढ़ाई जाएगी, ज्यादा महिलाओं को रिक्वायरमेंट की जाएगी, और ज्यादा फोर्स होने से हर ट्रेन में महिला की सुरक्षा के लिए ये जो मेरी सहेली अभियान की टीम जागरूक रहेगी और वो महिला को सुरक्षा प्रदान करेगी। रेलवे मंत्रालय के द्वारा से जो रेलवे मंत्रालय ने ये कहा कि इस अभियान से, जो कि अच्छा सोच है, इस अभियान से महिलाओं में जो महिला जो यात्रा कर रही है, इस अभियान से महिला यात्रियों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। ये सही बात है, उन लोग को सुरक्षा मिलेगी। बहुत सारे महिलाएं जो ट्रेन में अकेले सफर करने में डरते हैं, शायद कुछ हो सकता है, अभी ये सोचना नहीं चाहिए। आप आराम से ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं और उनका इसके साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये दो चीजें वो भी काफी सही है, काफी हद तक, कि इस जो मेरी सहेली अभियान से
महिला यात्रियों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, इसके साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जो कि एक अच्छा स्टेप है भारतीय रेलवे के द्वारा। अगर आप महिला हो, अगर आप अकेले यात्रा करना चाहते हो ट्रेन में, तो अभी आपको कोई भी परेशानी नहीं है, आप ट्रेन में अकेले यात्रा कीजिए और आपके साथ रहेगी भारतीय रेलवे की जो आरपीएफ फोर्स की मेरी सहेली टीम, जो कि आपको आपकी यात्रा एंड तक आपके साथ रहेगी, आपको सेफ्टी टिप्स देगी, आपको जागरूक करेगी। तो ये काफी हद तक रेलवे ने जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा स्टेप है। इस स्टेप से रेलवे में घटने वाली जो अपराधियों, महिला के साथ घटने वाली अपराधियों में काफी हद तक रोक लगेगी, जो कि इस अच्छा स्टेप है। तो आप अगर लड़की, अगर आप महिला हो, तो आप आराम से ट्रेन में यात्रा कर सकते हो, अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, और हमारे साथ जुड़ी रहिए इसके बारे में आगे जानकारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।